नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, मैं अभि कुमार आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं अपने न्यू वीडियो के साथ, न्यू जानकारी के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें और कैसे भेजें। तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज का हमारा वीडियो उन भाइयों के लिए है जिन्होंने एक्टिंग फील्ड में काम नहीं किया है, बिल्कुल इस फील्ड में अनजान है। उनको कुछ नहीं मालूम कि अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, किस तरीके से करें। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि उन लोगों के साथ हम लोग भी जिन्होंने कुछ काम कर लिया है इस फील्ड में, जब हम लोग भी अपना प्रोफाइल लिखकर सेंड करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को, तो थोड़ा बहुत गलती हम लोग भी कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं साथियों, जब हम लोग अपने मोबाइल से या फिर कैमरे से अपना फ़ोटो खींचते हैं, तो फ़ोटो खींचते वक्त अपने फ़ोटो को हम लोग इतना फिल्टर कर देते हैं कि हमारा रियल चेहरा और हमारा फ़ोटो दोनों मैच नहीं होता, बिल्कुल दोनों अलग अलग दिखता है। फिर हम लोग उसी फ़ोटो को भेज देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास। फिर जब हम लोगों को बुलाया जाता है ऑडिशन लेने के लिए, तो साथियों उस समय जब हम लोग जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के सामने, तो हमारा चेहरा कुछ और दिखता है और फोटो में चेहरा कुछ और दिखता है, जो फोटो हम लोगों ने कास्टिंग डायरेक्टर को भेजा है। तो उससे होता क्या है कि जो किरदार के लिए बुलाया है कास्टिंग डायरेक्टर ने हम लोगों को, उस किरदार से और हमारा रियल चेहरा मैच नहीं होता, क्योंकि हमने तो फोटो में इतना फिल्टर किया है कि हमारा फ़ोटो कुछ और दिख रहा है, और कास्टिंग डायरेक्टर ने हमारे फ़ोटो को देखकर ही हमको बुलाया है ऑडिशन लेने के लिए। तो साथियों इस कारण से हम लोगों को ऑडिशन नहीं मिलता और हम लोग को घर वापस आना पड़ता है और काम भी नहीं मिलता। तो हम लोगों को अपना फ़ोटो इस तरह से नहीं खींचना है साथियों, मोबाइल से ही खींचना है, कैमरे से ही खींचना है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नॉर्मल फ़ोटो खींचकर कास्टिंग डायरेक्टर को भेजना है, तभी जो है हम लोगों को काम मिल सकता है साथियों। अब बारी आती है कि अपना प्रोफाइल कैसे लिखें। तो साथियों अपना प्रोफाइल लिखते समय कलात्मक बात नहीं है, आप लोग बड़ी आसानी तरीके से अपना प्रोफाइल लिखकर कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रोफाइल के अंतर्गत क्या लिखा जाता है, आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, फिर उम्र लिखना होगा, हाइट लिखना होगा, लैंग्वेज लिखना होगा, आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, आपको हिंदी आता है, अंग्रेज़ी आता है, उर्दू आता है, भोजपुरी आता है, मराठी आता है, यानी कि आपको जो भी लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज को लिखकर प्रोफाइल में दर्शाना पड़ता है। उससे होता क्या है कि कास्टिंग डायरेक्टर को ये पता चल जाता है कि एक्टर को ये भाषा आता है और उसी आधार पर आपको ऑडिशन के लिए बुलाता है साथियों। उसके बाद आपको अपना जो है वर्क एक्सपीरियंस लिखना होगा, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आपने टीवी में काम किया है, आपने फिल्म में काम किया है, आपने नाटक में काम किया है, यानी कि आपने जो भी काम किया है उस काम को लिखना पड़ता है अपने प्रोफाइल में। उसके बाद जो कि सबसे ज़रूरी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है साथियों। उसी मोबाइल नंबर पर आप लोगों को कॉल आता है ऑडिशन के लिए, इस तरीके से इतना डिटेल्स दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको अपना 3 फ़ोटो लगाना होता है, और आपको ये भी ध्यान रखना है आपको कि 3 फ़ोटो से अधिक फ़ोटो नहीं लगाना है अपने प्रोफाइल में। उससे अधिक लगाएंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर जो है आपके फ़ोटो को नहीं देखेगा, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि आपके फ़ोटो को देखे। आपने 10 फ़ोटो भेज दिया तो 10 फ़ोटो को देखे, ज़रूरी जो होता है वो 3 फ़ोटो होता है। 3 फ़ोटो से अधिक आप लोग अपने प्रोफाइल में अटैच मत कीजिए। इस तरीके से फ़ोटो लगाने के बाद आप लोगों को अपना ऑडिशन लिंक भी लगाना पड़ता है। मान लीजिए कि आप लोगों को पता नहीं कि ऑडिशन लिंक क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, तो साथियों आप लोग अपना एक वीडियो बनाइए, फिर उसको जो है YouTube पर अपलोड कीजिए, फिर वहाँ से जो है लिंक को कॉपी कीजिए, फिर अपने प्रोफाइल में पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप अपना ऑडिशन लिंक लगा सकते हैं साथियों। अगर आप लोग अपना ऑडिशन ही अपलोड करेंगे प्रोफाइल में, तो ऑडिशन आपका नहीं देखेगा कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि आपके ऑडिशन को डाउनलोड करे फिर देखे। इसीलिए लिंक को लगाया जाता है कि लिंक पर टच करे कास्टिंग डायरेक्टर और जाकर सीधा YouTube पर देख ले। तो साथियों इस तरीके से आप अपना जो है ऑडिशन लिंक लगा सकते हैं, या फिर आपके पास
इंट्रो अगर आपने बनाया है, इंट्रो वीडियो है, तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कि अपना इंट्रो वीडियो कैसे बनाया जाता है, तो साथियों मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना रखा है, आप लोग इस वीडियो को देखिए और आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑडिशन इंट्रो वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो साथियों इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल लिख कर भेज सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को। और मान लीजिए कि आप लोगों को पता नहीं कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो मैं ये स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, इसी तरीके से लिख कर कास्टिंग डायरेक्टर को भेजिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा अपने अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।